हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं इंग्लिश कोर का सेशन नंबर 6, जिसमें हम लोग अच्छी तरह से सेशन 1 से लेकर सेशन 5 तक बेहतरीन ढंग से देखे थे। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं सेशन नंबर 6, जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आज हम लोग जो ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ना, ये याद रखिएगा, किसी भी स्टूडेंट्स को अगर पता नहीं है, इस बार एक बार ध्यान से सुनिएगा। ये जो सेट तैयार किया गया है, ये ब्लूप्रिंट PYQ, जिसे हम लोग प्रीवियस रिलेटेड क्वेश्चन बोलते हैं, अब प्लस आपका सेलेक्टेड क्वेश्चन। सेलेक्टेड क्वेश्चन को भी हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, एक हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर के द्वारा, दूसरा इसमें बताएगा आप लोगों का जितना भी गेस्ट पेपर आया है ना, इन सब से निचोड़ कर ये पेपर तैयार किए गए हैं। आशा करते हैं कि लेक्चर 1 से लेकर अभी जितना भी लेक्चर होने वाले हैं, अगर एग्जाम से पहले देख लेते हैं, मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव का, सारा क्वेश्चन उसे छपेगी। यकीन नहीं होता है, दो जगह पर जाके देखिएगा, एक बार कमेंट सेक्शन में जाके देखिए कि बच्चे किस तरह से एग्जाम देने के बाद, प्रीबोर्ड का भी आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि प्रीबोर्ड का एग्जाम चल रहा है। एक बार प्रीबोर्ड के एग्जाम आप अगर दिए होंगे तो एक बार हमारा 5 चीजों में सिलेक्टेड सीट प्रोवाइड किया हूं हमारे एप्लीकेशन पे, एक बार उनको जाकर देखिए। एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ गया तो फिर हम बताएंगे। कल 7-8 स्टूडेंट्स बार बार कमेंट कर रहे थे, कोई जमशेदपुर से था तो कोई पश्चिमी सिंहभूम से थे और कोई कुछ और जगह से थे। उन्होंने बताया था, सर आज हमारे यहाँ पे हिंदी कोर का और हिंदी इलेक्टिव का एग्जाम हुआ है सर, और सारा क्वेश्चन आप जो बताए थे एप्लीकेशन पे वही छप गया है। तो मेरे लाल, मैंने पहले जब से आपका क्लास स्टार्ट हुआ है तब से लेकर मैं हमेशा आपको अंतिम पोजिशन तक मैं कहूँगा कि आप कोई भी ट्यूशन कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर इन सब क्वेश्चनों को सही ढंग से स्टडी नहीं करते, जो आप लोगों को एप्लीकेशन में बताया जाता है, जो ऑलरेडी पेड कोर्स लेकर स्टडी कर रहे हैं, तो फिर आपको बहुत बड़ी झटका लगने वाला है। तो खैर, स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिए हैं आपका एप्लीकेशन वाले को लिए, तो एप्लीकेशन वाले ने बहुत बेहतर तरीके से तैयारी किया और प्रीबोर्ड के एग्जाम देकर जब लौटे तो खुशी खुशी बताया सर कि आपने 30 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन हमें सॉल्व करवाया था, सारा क्वेश्चन वही छप गया है। इसके पीछे मेरे डियर स्टूडेंट्स, इसके पीछे बहुत मेहनत होता है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। जैसे कि कुछ दिन पहले मैं बात करूं आप लोगों का, आप लोगों का एग्जाम चल रहा था किसका, तो बताएंगे सर आप लोगों को कुछ दिन पहले आप लोगों का बीपी का एग्जाम चल रहा था, और बीपी के जब एग्जाम होती थी ना, उससे 1-2 दिन पहले मैं 1-3 लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करता था और सारा क्वेश्चन हूबहू यही क्वेश्चन छप जाते थे। आप सभी को अच्छी तरह से पता है, जिनके ब्लूप्रिंट का एग्जाम हुआ था, जिनके कॉलेज या स्कूल में, उन लोगों को अच्छी तरह से पता है जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़े हैं या यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख कर जाते थे, सारा क्वेश्चन हूबहू जो है छप जाता था, क्वेश्चन नंबर भी, और क्वेश्चन तो छपेगा ही, ठीक है। तो इसके पीछे बहुत रीजन होता है, खास करके मैं बात करूं आप लोगों का, तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया है 7 साल कंटिन्यू। ये साल 2024 जब हमारे पूरी हो जाएगी एग्जाम, मतलब मार्च महीना में जब आपका एग्जाम मतलब खत्म हो जाएगी, उस समय इस साल हमारा 8 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्लास 11 और क्लास 12 और पार्ट 1 से लेकर पार्ट, याद रखिएगा, 8 तक। पार्ट 8 का मतलब होता है सेमेस्टर 8 तक। बेहतरीन ढंग से आप लोग बस पढ़िए, और सेमेस्टर के अलावा इन सेमेस्टर में भी आप लोगों को किस तरह प्रिपेयर करना है, या आप लोग कुछ बनना चाहते हैं आगे चलकर, तो किस तरह से आपको हैंडलिंग करना है, सारा चीज आपको बेहतरीन ढंग से मैं बताऊंगा। बस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। पहला क्वेश्चन आते हैं सर हम लोग, पहला क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन है कि हु इज द राइटर ऑफ पोएट्स पेंकिस, पोएट्स और पेंकिस के राइटर कौन है, ये हम सबसे पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था ऑथर से रिलेटेड आपके पेपर में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश से भी, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका हिंदी से भी, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, एग्जाम से पहले ना मैं ऑब्जेक्टिव का भी, सब्जेक्टिव का भी और लिटरेचर सेक्शन का पूरा फास्ट क्विक रिविजन करवाऊंगा, पूरा फास्ट क्लास चलेगी वहां पर, एग्जाम से मान के चलिए क्विक रिविजन, ठीक है, क्विक रिविजन पूरा फास्टली क्लास चलेगी, एग्जाम से मान के चलिए 1-2 दिन पहले पूरा फास्टली क्लास चलेगी। और इस क्लास को ना आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, बहुत टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन मैं बताऊंगा, और एग्जाम से पहले आपको मैं प्रिपेयर बेहतरीन तरीके से करवा दूंगा एक दिन पहले, ठीक है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर आते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि पोएट एंड पेंकिस का ऑथर कौन है, तो बताएंगे अशोका मित्रन, कौन हो जाएगी, अशोका मित्रन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, वेयर इज जर्मनी स्टूडियो, जो जर्मनी स्टूडियो है ना वो कहाँ स्थित है, आपसे पूछा गया कि जो जर्मनी स्टूडियो है वो कहाँ स्थित था, तो बताएंगे सर चेन्नई, मद्रास में स्थित था, याद रखिएगा चेन्नई में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, बस बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
क्या जेमिनी स्टूडियो की स्थापना कब हुई थी? जो जेमिनी स्टूडियो चेन्नई में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? हु वाज जेमिनी स्टूडियो फाउंडेड, मतलब कब इसकी स्थापना हुई थी? तो बताएंगे सर, इसकी स्थापना हुआ था 1940। और समझ में आ रहा ना तो एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि सर आप जो चीज़ बताते हैं हम लोग को माइंड में सीधा घुस जाता होगा, एक बार जरूर बताइएगा मेरे शेर। अगला क्वेश्चन है सर, हु वाज द फाउंडेड ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो का मालिक कौन था? आप सभी को पता है, और अभी जो क्वेश्चन बताया ना ये बीपी में भी पूछा गया है और पीबी में भी पूछा गया है। बीपी का मतलब ब्लूप्रिंट, पीबी का मतलब होता है प्री बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे गए, एक बार मैच करके देखिएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, अगला क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं क्या कि हाउ मेनी पीपल वर देयर इन MRA इन पॉइट्स एंड पेंकीज, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर जो थोड़ा सा एक बार मिस मत कीजिएगा। हाउ मेनी पीपल वेर देयर इन MRA इन पॉइट्स एंड पेंकीज, क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि MRA में कवियों और पेंकेक में कितने लोग थे, मतलब कितना लोग काम करते थे? बताएंगे सर, अबाउट 200, क्या हो जाएगी? लगभग 200, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ अशोकमित्रन इन द जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियो थे अशोकमित्रन का क्या ड्यूटी था? जो जेमिनी स्टूडियो अभी हम लोग देखें कि चेन्नई में स्थित था, 1940 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका संस्थापक था एम भाषण थे, तो जो हम लोगों का यहाँ पे अशोकमित्रन जी थे उनका काम क्या था जेमिनी स्टूडियो में? तो उनका काम था, याद रखिएगा, क्या काम था? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, कटिंग न्यूज़पेपर। क्या काम था? कटिंग न्यूज़पेपर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अभी हम लोग मॉर्निंग में ना थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग जो मॉर्निंग टाइम पे हम लोग जो देख रहे हैं वो हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, और इवनिंग टाइम में आज मैं आप लोगों को लिटरेचर पार्ट करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो अगर आप लोग लिटरेचर पार्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन प्रोवाइड करना चाहते हैं या पैसेज, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ ना, 18 मार्क्स का पैसेज आएगी, 18 मार्क्स का आपका पैसेज आएगा। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, और पैसेज एक ऐसा टॉपिक है ना मेरे लाल, आप कितना भी अगर मान ले कीजिए कि कितना भी घटिया बनाइए, अगर समझ में आ रहा बना रहे आप कितना भी घटिया सही लिखिए, लेकिन आपको याद रखिएगा 15+ मार्क्स मिलेगी अगर सही तरीके से, क्योंकि देखिए 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना, 2-2 मार्क्स करके, इसमें अगर अच्छी ढंग से सारा क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो आपको 12 मार्क्स मिलेगा, लेकिन जो 3-3 क्वेश्चन है आपका, 3 क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का है, तो यहाँ पे आपको 5 मार्क्स 5 या 4 मार्क्स ही मिलेगी, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना ये सब क्वेश्चन है सर। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें आ रहा है कि व्हाट वाज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल इन पॉइट्स एंड पेंकीज, जो ब्रांड नेम है, ये भी आप लोग का बीपी और पीबी में एक बार पूछे गए हैं, ब्लूप्रिंट के और प्री बोर्ड के एग्जाम में दोनों जगह पे यह क्वेश्चन पूछे गए। तो आपसे पूछा गया है ना कि जेमिनी स्टूडियो में जो थे ना, समझेगा, उसमें मटेरियल था किसका, समझेगा, जो मटेरियल था ना आपका ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल का, ब्रांड नेम का क्या था नाम, पॉइट्स एंड पेंकीज के मेकअप सामग्री का ब्रांड नाम क्या था? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, क्या नाम था? पेंकेक। क्या नाम था? पेंकेक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, 8th क्वेश्चन के, वर वाज द मेकअप रूम लोकेटेड इन जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियो थे इसमें मेकअप रूम कहाँ स्थित थी, ये आपसे पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा मेकअप रूम स्थित थे कहाँ पे, फर्स्ट फ्लोर में। एकदम कंटेस्ट कर लीजिए जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है? चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ वाज द लुक ऑफ द मेकअप रूम, कैसे दिखता था, आपसे पूछे मेकअप रूम का लुक कैसा था, कैसा दिखता था मेकअप रूम, तो आपसे पूछे गए इसका आंसर बताना है आपको, तो कैसे दिखता था बताएंगे, हेयर ड्रेसिंग सैलून की तरह लाइक हेयर ड्रेसिंग रूम, इन ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपको, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए मैं दोनों लैंग्वेज में इसलिए बता रहा हूँ ना ताकि आपको माइंड में और बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, हु वाज द हेड ऑफ द मेकअप रूम इन द पॉइट एंड पेंकीज, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉइट एंड पेंकीज में मेकअप रूम का प्रमुख कौन थे, मतलब मालिक कौन थे एक तरह का देखा जाए, तो याद रखिएगा बंगाली, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ वाज द जेमिनी स्टूडियो द सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, कहा गया है क्वेश्चन क्या समझिएगा, जेमिनी स्टूडियो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक कैसा था, जेमिनी स्टूडियो जो है राष्ट्रीय एकता का
प्रतीक कैसा था, ये हमसे पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो बताएंगे सर, पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट, अलग अलग की अलग अलग स्टेट के लोग, अलग अलग राज्य के लोग हमारे जमीन स्टूडियो आते थे, कि यहाँ तक के बड़े बड़े जो एक्टर्स होते थे वो भी मेकअप करवाने के लिए हमारे जमीन स्टूडियो आया करते थे। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 12 है, व्हाट वाज द एज ऑफ द ऑफिशियल बॉय इन जेमिनी स्टूडियो। ये भी क्वेश्चन आप एक बार मैच करके देखिएगा, बीपी के परीक्षा में पूछा गया था। क्या पूछा गया था समझिएगा, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेमिनी स्टूडियो में ऑफिस बॉय की उम्र कितनी थी। जेमिनी स्टूडियो में ऑफिस बॉय की उम्र था सर 40 इयर्स का। कितना, 40 इयर्स का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, इज द राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर पे आते हैं, व्हाट वाज द एम ऑफ द ऑफिशियल बॉय व्हेन बाय व्हेन ही जॉइंड द जेमिनी स्टूडियो। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब ऑफिस बॉय जेमिनी स्टूडियो में शामिल हुआ तो उसका उद्देश्य क्या था। जब जो हम लोगों का अभी जो ऑफिशियल बॉय थे, वो जैसे वो काम करना शुरू किया कहाँ पे, जेमिनी स्टूडियो में, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उसका काम क्या था। तो देखिए, उसका मुख्य उद्देश्य था ना, पहला उद्देश्य था क्या, तो याद रखिएगा, याद रखिए, एक स्टोरी राइटर और स्क्रिप्ट राइटर। इन ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला, 1414, व्हाट डिड द ऑफिस बॉय वांट टू बिकम इन जेमिनी स्टूडियो। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जेमिनी स्टूडियो के बारे में, क्या पूछा गया जेमिनी स्टूडियो, क्या पूछा गया समझेगा। क्वेश्चन है सर कि ऑफिस जेमिनी स्टूडियो ऑफिस बॉय क्या बनना चाहते थे, ये आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, राइटर, ऑथर, स्क्रिप्ट राइटर। एंड ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सर 15 नंबर, द ऑफिस बॉय वाज जेलियस ऑफ होम। तो बताएंगे सर कौन था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा, ऑफिस बॉय किससे ईर्ष्या करता था, जो ऑफिस बॉय था वह किससे जलनशिप रखता था, किससे ईर्ष्या करता था, ये आपसे पूछेगा। तो सबू, याद रखेगा सबू, क्या जगह, सबू, सबू। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, हमेशा अगर क्वेश्चन ये क्वेश्चन आ जाए कि ऑफिस बॉय जो थे हम लोगों का, वो किससे ईर्ष्या करते थे, जेलियस, किससे ईर्ष्या करते थे, तो बताएंगे सर सबू से। ऑप्शन नंबर क्या जाएगी, इज द राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर कि हु डिड द ऑफिस बॉय होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मेसरी इन पॉइंट एंड पेंकेस। क्वेश्चन आपसे कहा गया है, समझिएगा, पॉइंट एंड पेंकेस में ऑफिस बॉय ने अपनी दुर्दशा के लिए अपने जिम्मेदारी ठहराया था, किसको ठहराया था, तो बताएंगे सर सुबू को, याद रखें किसको, सुबू को। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर, अगला क्वेश्चन है, अच्छा समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना। अगर आपको समझ में आ रहा है और थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि सर जो चीज़ आप हमें बताते हैं, हम लोगों को, हमें सारा चीज़ समझ में आ जाता है, तो एक बार ना कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, एक बार कमेंट कर दीजिए कि सर जो चीज़ आप बताते हैं हम लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाता है, और जो चीज़ बताते हैं सर ये एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। और कहाँ से हैं आप लोग, एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा, रांची डिस्ट्रिक्ट या धनबाद या बोकारो या दुमका या गिरिडीह, कहीं से भी है, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, ताकि हमें मुझे पता चले कि आप लोग कितना इंटरेस्ट रखते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने जिला को आगे बढ़ाने में, ठीक है। चलिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है, जिस पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है ना, याद रखिएगा कि पढ़ाई से ही इंसान आगे मकाम अच्छा हासिल कर सकते हैं, बाकी और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट वेयर सबू कैरेक्टराइटिज इन द पोएट एंड पेंकेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है, पोएट एंड पेंकेस, याद रखिएगा, पूछा गया है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, थोड़ा सा आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्या पूछा गया है क्वेश्चन, कि पॉइंट एंड पेंकेस में बॉय ने अपना, अच्छा सॉरी, पॉइंट एंड पेंकेस ने सुबू को क्या विशेषता थी, तो याद रखिएगा उसकी क्या विशेषताएं थी आपसे पूछा गया। तो इसका विशेषता क्या था, हल्का दिल, याद रखिएगा, लाइट हार्टेड, रेडी टू हेल्प, तैयार, मदद के लिए तैयार था, और ऑबिडियंट, ऑबिडियंट मतलब आज्ञाकारी। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है कि हाउ वाज सुबू ट्रेटेड इन द जेमिनी स्टूडियो। क्वेश्चन है, जेमिनी स्टूडियो, याद रखिए, जेमिनी स्टूडियो में सुबू के साथ कैसा व्यवहार किया गया, तो बताएंगे सर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, तो याद रखिए, क्या हो जाएगी, नंबर टू एंड द मेन पर्सन, याद रखिए कैसे व्यवहार किया गया था, तो नंबर टू और मुख्य व्यक्ति के रूप में उनको व्यवहार किया था। इस कारण से ही ना, याद रखिएगा, जो ऑफिस बॉय थे इन्हीं के कारण उनको जलन हो रहा था कि अच्छा सुबू को आप बना देंगे हेड बॉय, मतलब हेड बना देंगे जेमिनी स्टूडियो का, तो इसलिए वो क्या करते थे, ईर्ष्या करते थे सुबू से। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन डिड एमआरए विजिट मद्रास।
कब विजिट किए थे? तो 1952 में। कब? 1952। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु वाज द फॉरगन पॉइंट वेर विजिटेड द स्टूडियो। ये क्वेश्चन एक बार याद रखिएगा, 2024 के पेपर अभी जो आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं ना उसमें पूछेगा। मैं एक बार क्वेश्चन ना आप लोगों को मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इस क्वेश्चन को थोड़ा हल्के पे नहीं लेना, क्वेश्चन को समझिएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि कौन था स्टूडियो में, कौन विदेशी आए थे, मतलब इस टॉपिक में विदेशी कौन आए थे, कौन सा विदेशी पोएट थे, कवि थे जो जर्मनी स्टूडियो आप पर आए थे। तो स्टीफन स्पेंडर, याद रखिएगा, क्या हो जाएगी? स्टीफन स्पेंडर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हु वाज द बॉस ऑफ जर्मनी स्टूडियो। जर्मनी स्टूडियो का बॉस कौन थे? तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बीपी ब्लूप्रिंट में भी पूछा गया है, पीबी प्री बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो हु वाज द बॉस ऑफ जर्मनी स्टूडियो? तो मिस्टर भाषण, क्या हो जाएगी? मिस्टर एसएस भाषण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सर द इंटरव्यू। द इंटरव्यू का राइटर कौन है सर? सिल्वेस्टर। तो देखिए, ये द इंटरव्यू से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जस्ट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों का, फिर से मैं बता दूं, आप लोगों का बीपी से प्लस हो गई, याद रखिएगा, ब्लूप्रिंट से होगा, फिर आप लोगों का पीवाईक्यू से रिलेटेड होगा, फिर आप लोगों का गेस पेपर होगी, याद रखिएगा, गेस पेपर जो भी आप लोगों का निकला है वो होगी, उसके बाद आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन। इन चारों को मिला करके आप लोगों का ये सेट तैयार किया गया है, जो बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर बेहतरीन तरीके से मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक बार आप लोग बता दीजिए, अभी जो बाकी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक बार बता दीजिए कि एक क्वेश्चन से लेकर 21 तक जो डिस्कस करवाए मैं आपको, क्या आपको समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो आप खुद से एक बार वादा कीजिए कि आज के बाद अगर हमें जर्मनी स्टूडियो से, मतलब टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे कोई, तो मैं इजीली से बता सकूं। क्या आपको ऐसा लगता है, अंदर से फीलिंग हो रही है? अगर लग रहा है ना तो एक बार डन कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड किया हूँ, एक एक क्वेश्चन को ना हल्के पे नहीं लेना, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड किया हूँ। इसी तरह से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कितना ऐसा स्टूडेंट है जो सेशन नंबर 7 के लिए वेट करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो।